कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत धनबाद शहर में प्रवेश किए। इस दौरान उनका काफिला आज सुबह पूर्वी टुंडे से निकलकर गोविंदपुर होती हुई सरायढीला स्टील गेट पहुंचा, जहां कांग्रेस के झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के आवास रघुकुल के समीप कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत करते हुए फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। राहुल गांधी का काफिला सरायढीला से पुलिस लाइन होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचा। इस दौरान उनके समर्थक सड़क किनारे कतारबद्ध होकर अपने नेता राहुल गांधी को देखें और जिंदाबाद के नारे लगाएं। राहुल गांधी का काफिला भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रणधीर वर्मा चौक से नया बाजार होते हुए बैंक मोड़ पहुंचा, जहां उनका जनसंवाद कार्यक्रम होना तय है। कि रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए और हम आदिवासियों से कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपको शिक्षा, आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार के लिए हम 24 घंटा काम करेंगे और इन चीजों को आपको दिलवा के दिखाएंगे। आप सब यहाँ आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अब जितनी आपने सेल्फी ले ली है ले लीजिए।